और अब बात कर लेते हैं सरपंचों की, जो कि मांगे पूरी ना होने पर नाराज होकर धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें कि अब की बार सरपंचों ने धरने के लिए राजेंद्र गुड़ा के आवास को चुना। मंत्री गुड़ा के आवास के अंदर प्रदेश भर से आए सरपंच धरने पर बैठ गए। सरपंचों ने कहा कि सरकार के साथ वार्ता हुई लेकिन वो अपनी बातों से मुकर गए। जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक धरना जारी रहेगा। जी मीडिया संवाददाता भरत राज ने सरपंच संघ के प्रतिनिधियों से खास बातचीत की है, सुनिए। पंचायत राज राज्य मंत्री राजेंद्र गुड्डा के आवास पर सरपंचों का कब्जा हो गया। उन्होंने यहां पर धरना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि हमारा धरना नहीं है, हमने मंत्री के आवास पर एक कब्जा कर लिया है। और ये देख रहे हैं आप तस्वीरों में, ये यहां पर इन्होंने मेट बिछा दी है और इनका लंबे पड़ाव का ऐलान ये कर चुके हैं, क्योंकि इनकी जो मांगे हैं ये पूरी होती नहीं दिख रही, तो इन्होंने यहां पर नारेबाजी शुरू कर दी है। इन्होंने अभी यहां पर नारेबाजी में कहा कि पंचायत राज के जो मंत्री हैं रमेश मीणा, उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे इनकी ओर से लगाए गए हैं। इसके साथ ही पंचायत राज के जो राज्य मंत्री राजेंद्र गुड्डा, उनके जिंदाबाद के नारे भी यहीं से लगाए जा रहे हैं। इनका कहना है कि हमारी पहले भी मांगे हुई थी लेकिन सरकार ने अपने वादे से मुकरने का काम किया, इसलिए हमें मजबूरन मंत्री के आवास पर यहाँ पर धरना देना पड़ा और अब हम धरना नहीं दे रहे, इस आवास को हम कब्जे में ले रहे। इसी बात को लेकर आप तस्वीरों में देखेंगे ये नारेबाजी का दौर यहाँ पर शुरू हो रहा है। तो हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ यहाँ पर संयोजक भागीरथ यादव मौजूद है सरपंच संघ के, उनसे बातचीत करेंगे। भागीरथ जी, क्या बात है कि अब मंत्री के आवास को आपको धरने के लिए चुनना पड़ा, ये धरना है या कब्जा है? कोई कब्जा नहीं है, सरपंचों का जो पारा है वो नाक के ऊपर से निकल चुका है। इस सरकार ने सरपंचों को ठगा है, सरकार ने बेवकूफ़ बनाया सरपंचों को। जिस सरकार को 2018 के अंदर हमने सरकार में लाया था, राजस्थान की सरकार बनाई थी, आज वो सरपंच पिछले दो माह से सरकार से बार बार गुहार कर रहा है, सरकार से बार बार मांग कर रहा है कि हमारी ये मांगे, हमारी मांगों को माना जाए। लेकिन सरकार ने 21 मार्च 2022 से लेके 21 से लेके लगातार हमें गुमराह करी जा रही है। वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, कब तक बैठेंगे आप? हम जब तक बैठेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हमें कितने ही दिन लग जाए लेकिन अब हम जाने वाले नहीं है। कितनी मांगे से सब 36 में से? हमारी 15 सूत्री मांग है, 15 सूत्री मांग पत्र हमारा है, उन मांगों में कोई बड़ी मांग नहीं है। ये सरकार कर सकती है लेकिन पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा का हट है, वो चाहता है राजस्थान के सरपंचों को हम बेवकूफ बनाऊं, मैं इनकी मांगों को नहीं मानूं, उसकी जिद है और राजस्थान का मुख्यमंत्री ध्यान नहीं दे रहा है। तो यह है सरपंच संघ के प्रतिनिधि जो लगातार यहां पर धरना दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक इनका धरना यहाँ पर जारी रहेगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ भरत राज, मीडिया जयपुर।